नमस्ते बेटा, कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? वो मैंने सुना था तुमने नीट के एग्जाम दी थी, तो कहाँ दिया एडमिशन इस साल? जी हाँ अंकल, वो BHMS के कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। अरे BHMS क्यों करवाया बहन जी इसका? MBBS करा लेते ना, और अगर इसके मार्क्स कम थे तो इसका रिपीट करवा देते थे। पता है वो मेरे मौसी के भतीजी का बेटा वो MBBS कर रहा है मुंबई के कॉलेज से, क्या नाम है उस कॉलेज का? हाँ, BJ मेडिकल में से कर रहा है वो। अंकल पहली बात तो वो कॉलेज मुंबई वाला कॉलेज का नाम KEM है, और दूसरा मतलब आप इतना MBBS कर रहे हो, जरा उसका फुल फॉर्म बताना क्या होता है। हाँ वो इमोशनल डैमेज। हे गाइस, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकिनेक्स। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि फर्स्ट, मतलब मैं MBBS नहीं कर रही हूँ और BHMS कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। और सेकंड, मतलब ये वीडियो किसी पैथी को अच्छा और किसी पैथी को बुरा प्रूव करने के लिए नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक बने रहे, बिकॉज एंडिंग में मैंने आपको एक बात बोली है जो आपके लाइफ में शायद आपको कहीं ना कहीं काम आए। बहुत सारे लोगों के मुंह से तुमने भी सुना होगा कि MBBS सबसे बड़ी डिग्री है, फिर उसके बाद BDS आता है, फिर BMS आता है, एंड देन लास्ट में BHMS। तो लोग मार्क्स और रैंक के हिसाब से कोर्सेज को जज करने लगे, उनका रैंक डिसाइड करते हैं, बट हु आर वी टू डिसाइड द हायरार्की ऑफ एनी कोर्स? अगर बच्चे का इजीली BHMS में एडमिशन होने वाला होता है ना, फिर भी पेरेंट्स वेट करते हैं कि BMS या फिर BDS में तो भी एटलीस्ट नंबर लग जाए। और रीजन क्या होता है कि अरे वो BHMS छोटी डिग्री है ना, तो लोगों को बताने में शर्म आती है। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये दूसरे लोग होते कौन है, और सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर क्यों होना चाहिए कि अभी सोसाइटी हमारा फ्यूचर डिसाइड करे? यही लोगों को अगर तुम पूछ लोगे ना कि MBBS का फुल फॉर्म बताओ, तो हाफ ऑफ द लोगों को तो पता भी नहीं होगा। और ये लोग ना 2-4 दिन सवाल पूछकर भूल भी जाएंगे, बट जब तुम कोई कोर्स कर रहे होगे, MBBS हो, BHMS, BMS, BDS कोई भी, और जब वो कोर्स की पढ़ाई के वजह से तुम्हें टेंशन आएगा, एग्जाम के वक्त तुम टेंशन में रहोगे, तो ये लोगों को लेना देना भी नहीं होगा। इनका बस तुम्हारे रिजल्ट के दिन वापस से कॉल आएगा। पर रही बात उन लोगों की जिन्हें लगता है कि होम्योपैथी वर्क नहीं करता है, स्लो है, प्लासिबो इफेक्ट है, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है और उसमें मुझे जाना भी नहीं है, बिकॉज हर किसी का अलग अलग बिलीफ होता है। बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को ड्रॉप करना भी नहीं होता है, बट फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हैं, बिकॉज MBBS की वजह से तो खानदान का नाम रोशन होने वाला है ना। नो डाउट इट इज अ प्रेस्टिजियस डिग्री, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे कोर्सेज बहुत ज्यादा घटिया है। देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे में पेशेंस है और तुम्हारी वो जिद्दी है कि तुम्हें MBBS ही करना है, तो आई वॉन्ट इवन टेल यू टू स्टॉप। बट अभी जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिए और उनका स्कोर कम आ रहा है, और ड्रॉपर्स भी है जिन्होंने एक दो बार पहले ही ड्रॉप ले चुके हैं, और अभी इन दोनों कैटेगरीज में से किसी को ड्रॉप लेने की इच्छा नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, मेडिकल भी हो या फिर नॉन मेडिकल कोर्सेज भी हो तो भी। बिकॉज जितने साल आप ड्रॉप में इन्वेस्ट करोगे ना आपके, उतने साल में तो आपकी दूसरी कोर्स हाफ कंप्लीट भी हो जाएगी। अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ तुम लोगों को। गुंजन सक्सेना मूवी तो तुमने देखी होगी, तो उसमें उनका ड्रीम था कि उन्हें प्लेन उड़ाना था, तो उनके पास उस एजेंसी में भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, वो एयरफोर्स में गए और फिर उसके बाद आखिर उन्होंने प्लेन उड़ा ही लिया। तो अगर तुम्हारा भी यही मोटिव है कि तुम्हें पेशेंट को क्योर करना है, तो वो तो तुम BMS और BHMS से भी कर ही सकते हो ना। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा गोल पेशेंट को क्योर करना है, ट्रीट करना है, तो डिग्री शुडंट मैटर यू, बट इफ योर गोल इज टू अर्न मोर मनी, सो यू हैव अदर ऑप्शंस। अभी वैसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, बट रियलिटी तो यही है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे BHMS और BMS करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, GP प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी इस बात को अपोज भी नहीं कर सकते, बिकॉज विलेज एरियाज में डॉक्टर्स की कमी होती है, तो ऐसे मामलों में GP प्रैक्टिशनर्स की हेल्प हो जाती है। और दूसरी रियलिटी, मतलब जो बच्चे आज MBBS कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें से हर एक बच्चा PG ही करेगा, और रेशो तो आपको खुद को पता है, तो अगर PG नहीं की तो वो लोग भी जनरली प्रैक्टिस करेंगे, जो आप लोग भी कर सकते हो। और यार सीधी बात बोलो ना, तो कोई भी कोर्स ना आसान नहीं होता है,
क्या पता कुछ लोगों का अलग ही परसेप्शन है कि BHMS में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं सिर्फ डॉक्टर के नाम के लिए। बट ये कोर्स में भी उतनी ही पढ़ाई है जितनी बाकी कोर्सेस में होती है। और आजकल तो ये सारे वीडियोस बहुत ट्रेंड में है, मतलब इंस्टा यूट्यूब पर देखने मिलते हैं कि 5-6 साल रिपीट करने के बाद MBBS में एडमिशन लिया। तो 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, ये 6-6 7-7 साल क्या होता है? मतलब एम सिर्फ इतना नहीं है ना कि MBBS में एडमिशन लेना है, तो MBBS में आ गए तो हो गया, उसके बाद भी तुम्हें 5 साल पढ़ना है, PG के लिए पढ़ना है, तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कब करोगे, फिर सेटल कब होगे? और रही बात पैथी की, तो हर एक पैथी अपने आप में यूनिक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखने मिलते हैं कंपैरिजन के, BDS वर्सेस BMS, BMS वर्सेस BHMS। तो ये कंपैरिजन की ज़रूरत ही क्या है? मतलब ठीक है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बट इन परस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट एवरी पैथी हैज़ इट्स ओन वे टू क्योर एंड पीपल ऑल्सो हैव देयर ओन बिलीव्स, बिकॉज सम पीपल दे स्ट्रांगली फॉलो होम्योपैथी, सम पीपल फॉलो आयुर्वेदा, and some even follow naturopathy. So if all will begin to run towards MBBS, then who will fill up the need for आयुष doctors? ये जो social media पर आजकल colleges के videos वगैरह आते हैं वो सब दिखावा होता है। मतलब फेस्ट colleges में साल में एक या दो बार होती है, कोई हर रोज मजे नहीं करता, इतनी भी fascinating नहीं होती है college life जितनी social media पर दिखाई जाती है। लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कोई डिग्री कोई कोर्स छोटी या बड़ी नहीं होती है, और हार्डशिप जो है वो सारे फील्ड्स में होती है। इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी फेस आर ऑब्स्टेकल्स एंड ग्रो अकॉर्डिंगली। और जो लोग आज के बाद तुम्हारे कोर्स को जज करेंगे, तो प्राउडली कहना कि यस आई एम अ BHMS स्टूडेंट एंड आई एम प्राउड टू बी अ होम्योपैथ, बिकॉज एग्जाम्स तुम भी देने वाले हो, पढ़ाई तुम भी करने वाले हो, हार्डशिप्स में से तुम भी गुजरने वाले हो, पोस्टिंग्स पर 12-12 घंटे खड़े रहकर ड्यूटी तुम भी करने वाले हो। इसीलिए कभी खुद को कम मत समझना, बिकॉज जब तक तुम तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस वक्त हार मानने के बदले ये सोचना कि ये तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सारे दरवाजे बंद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं, इसीलिए खुद पर भरोसा रखना। और इसके आगे लाइफ में तुम कोई भी कोर्स करो, उसको तुम एक ऑप्शन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना।